वहाँ पे हो चुकी है बहन। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। गाइस देखो और सौरभ जोशी वाला जी के और मित्रों क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है लागो घूमने के लिए और एक काम से। तो भाई काम क्या है वो तो आपको वहाँ पे जा कर के बताऊँगा, लेकिन मैं ब्लॉग घर पे चालू करने वाला था बट हमारी बस हो गई थी लेट, भागते 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 करते करते फाइनली अब लोग सीट पर बैठे हैं। तो समझ रहे पहले कब्जा जमाने का, तो भाई हाँ अभी कब्जा जमा लिया सीट पे और अब जा रहे हैं नागौर, वहीं पे जाकर मिलते हैं आपसे और क्या करते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नागौर के अंदर। तो देखो किस तरह क्या क्लीन यहाँ की सड़कें भाई, कितनी क्लीन है देखो। रिक्शा नहीं मिल रहा है, अभी किधर चलना है? अभी चलेंगे, रिक्शा नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे लेकिन रिक्शा नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे हो चुकी है बहन, बन गया। फाइनली हम लोग बैठ चुके रिक्शा के अंदर। भाई ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अलग है, आप कहीं भी चले जाओ पर ये रिक्शा वाला एक्सपीरियंस आप कभी नहीं ले पाओ, है कि नहीं, है ना सुनील भाई? यस। भाई रिक्शे में जो मजा है वो कहीं पे भी नहीं। और उस भाई हम लोग इतने बस से 2 घंटे बैठ कर आए बस के अंदर और मतलब पूरे बोर हो गए, मतलब मेरे को तो नींद आ रही थी लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद वापस ऐसा समझ रहे हो ना अच्छा फील हो रहा है। तो हाँ वहाँ पे हो चुकी है बहन। तो गाइस कभी भी बिना हेलमेट कैसे ना आए, समझ रहे हो ना? जूम करो जूम करो, वो गाइस देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी शहर में रहते हो तो ऐसे मत घूमा करो यार, ये लड़कियों का तो क्या है कि पापा की बढ़िया है। जूम करो जूम करो, धुमला ले आओ, जूम करो जूम करो। इनसे चालान कटेगा क्या, इनका चालान कटेगा क्या, कितने का? 150 रुपया लगेगा। 150 रुपया का चालान कटेगा भाई? तो भाई फाइनली आ चुकी है हमारी बहन, तो चलते हैं जहाँ पे स्कूटी लेके आई। चलो फिर लेके सफाई कर्मचारी है, ये अच्छी बात है भाई। नागौर तो काफी क्लीन है लेकिन हमारा गांव होम को देखो भाई कितना भी इतना प्यारा है। तो गाइस पहले जो हॉस्पिटल दिखाने वाले थे लेकिन कुछ मतलब डॉक्टर है जो आया नहीं था, तो हाँ अच्छा ही हुआ यार, वो 1 घंटे लेट आएगा तो तब तक हम लोग मेले के अंदर घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो बस इसी मोमेंट का इंतजार था मेरे को, तो चलो फुल एंजॉय करते हैं, लेट्स गो, देखते हैं कैसा मेला। थोड़ी भी हम अगला काम कर रही हो, ₹100
क्यों तनके नहीं आ रहा थे मैं नहीं देख गड़िया मैं टैटू करवाऊं नहीं मैं बेटा तू ऐसा लग रही है नॉर्मल मार्केट हो छोटा सा यार मैं भी एक जैकेट लाऊं क्या जितना मम्मी का जैकेट पड़ेगा पर आप दो नहीं तो पैसे कम पड़ सकते इसलिए हम लोग सोच समझ के लेंगे बट देख कड़ा शो क्या फर्नीचर है इधर हां ठीक है वो बच यार सही तो देखो तू देख ले था गाइस देखो और सौरव जोशी वाला जैकेट वो तगड़ो यार व्हाइट कलर ओ मैं ले हूं यार ये क्या सेल चल रही है गाइस वो दादा मार साइज को है करण उधर साइज को ही है देख फिटिंग करा ले हूं और ये साइज में देख थार थोड़ी आए वो मार साइज को वो मारो एक तगड़ो है मगड़ो कटे देख बाप का क्यों बेटा और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना अभी तुम्हारा भाई इसमें इंस्टाग्राम पे बढ़िया सी रील डालेगा समझ रहे हो ये क्या है ये क्या सीन है ऊपर पता दे पूरा पैंट वो तो वो है धमाल वालों अरे घड़ी ले मैं यार एक हाँ मम्मी मैं ले हूँ मम्मी मार फूट गई यार घड़ी मैं ले हूँ फूट गई वैसे भी हाँ वैसे भी फूट गई अरे इनको कर तो बाद में पहने ना तो लूज करनी है बाद में कर सकते हैं ऑनलाइन कहते हैं लिक्विड में नहीं चाहिए लिक्विड में कोई आधा खाया और ये खतरनाक मतलब मिल चुकी है सारी लड़कियां होती है यहाँ पे आती है सस्ते में सब कुछ खरीदती है और सबको शो ऑफ करती है वो देखो गाइस ये क्या सीन अच्छा Oh my God. ये तो एक डिब्बू उड़ गया भाई तो गाइस पहले गाएंगे हिंडा के बाद में फोड़ेंगे टिंडा हाँ यार बोबो डबरूं क्या यार मैं गाइस मेरी मॉम बोल रही है वो उनके लिए अभी मैं बच्चा हूँ छोटा सा समझ रहे हो ना कहते हैं 200
कर दे भाई, 150 रुपया देगा चालू करने, 200 ले लिए साले ने। घंटे से राख लेगा, फोन से राख लेगा, नहीं नहीं घूम लो बाहर। ठीक है समरिया। इतना स्लो हो गया तू। अभी आया ना मजा वीडियो। वहां से तो आके जीत के थे बड़े भाई, वहां पे तो चक्कर आने लगे भाई कसम से। वो झूला खाने के बाद, उसके बाद में डायरेक्ट यहीं पे कुछ खाने के लिए, पहले कुछ खाते उसके बाद में देखते, देखना क्या है, डॉक्टर के पास चलना, ठीक है, खाने के बाद मिलते।